नमस्ते, वेलकम, बहुत स्वागत। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, हाजिर हैं हम लेकर खबरों के खिलाड़ी। जी हाँ, खबरों के खिलाड़ी में दिखाएंगे आपको देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें एक मिनट में। मैं हूँ आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई देश से बाहर भी पहुंचने लगी है। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर इमरान खान के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नवाज शरीफ के समर्थक भी सड़क पर उतर आए और दोनों के बीच झड़प हुई। एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। लंदन की सड़कों पर भारी संख्या में उतरे ये इमरान खान के समर्थक हैं। इमरान के सत्ता से बेदखल होने के बाद ये आक्रोशित हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी बवाल पाकिस्तान के बाहर भी पहुंच चुका है। इमरान के पीएम पद से हटने पर उनके समर्थक मायूस हैं। विपक्ष को इसका जिम्मेदार मानते हुए लोगों ने लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में इमरान के समर्थन में स्लोगन थे तो विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी। इमरान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पाकिस्तान के सियासी भूचाल के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान नवाज शरीफ के समर्थक भी जुट गए और पीएमएलएन के साथ जुटता दिखाने की कोशिश की। हालात तब बिगड़ने लगे जब इमरान और नवाज शरीफ समर्थक आमने सामने आ गए। आपस में दोनों के समर्थक भिड़ गए, दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने मौके पर बीच बचाव किया। फिलहाल पाकिस्तान से लेकर लंदन तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान के समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री की कुर्सी से इमरान खान के आउट होने के बाद अब पाकिस्तान में नई सरकार वजूद में आने वाली। पाकिस्तान के लिए आज एक नई सुबह ने दस्तक दी है, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शिद्दत से इमरान से सत्ता हथियाने की फिराक में लगे शहबाज शरीफ ने पीएम पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज संयुक्त विपक्ष के पीएम उम्मीदवार चुने गए हैं। आज दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली शुरू होगी और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पर मुहर लग जाएगी। वहीं भारत के साथ रिश्तों को लेकर शहबाज शरीफ ने अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। पीएम पद की शपथ से पहले शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर विवाद के समाधान तक ये मुमकिन नहीं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को सियासी ड्रामे के बाद आधी रात को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, जिसमें इमरान की सरकार गिर गई। 342 सदस्य नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान संयुक्त विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला और इमरान खान सत्ता से बेदखल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात कर लेते हैं कोरोना की। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना का एपिसेंटर बने शंघाई में एक दिन में करीब 25,000 नए केस सामने आए। चीन में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। चीन में तमाम बैन के बावजूद कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। यहां कोरोना के 25,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। शंघाई में मार्च की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 1,80,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। शंघाई में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ काफी बढ़ गया है। हल्के फुल्के लक्षण होने के बावजूद लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, जिस वजह से मरीजों को बेड मिलने में मुश्किल हो रही है। कोरोना मरीजों की भीड़ के चलते कई अस्पतालों में बाकी बीमारियों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। ज्यादातर अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी बीमारियों के लिए सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लॉकडाउन के चलते शंघाई की सड़कें पूरी तरह खाली नजर आ रही हैं। सिर्फ मेडिकल, पुलिस, हेल्थ वर्कर और डिलीवरी मैन को छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष हालात में बाहर निकलने वाले लोगों को न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाने के बाद ही इजाजत दी जा रही है। शंघाई में लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पूरी दुनिया की निगाहें भले ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पर टिकी हो, लेकिन
इस बीच एक और चीज ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल बैठक। ये रिपोर्ट देखिए। बीते 46 दिनों से दुनिया भर की नजरें यूक्रेन पर जमी हुई हैं। गोलीबारी जारी है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई लोग युद्ध में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के दूसरे कोने में इस युद्ध से मीलों दूर एक वर्चुअल बैठक होने वाली है। ये मुलाकात है अमेरिका और भारत के बीच, दो ऐसे देश जो इस युद्ध में शामिल तो नहीं है लेकिन इस युद्ध की जड़ों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल बैठक होने वाली है। इस बैठक में वैसे तो कोविड-19 महामारी को खत्म करने, जलवायु संकट से मुकाबला करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी, लेकिन बैठक में इंडो पैसिफिक और रूस यूक्रेन युद्ध पर गंभीर चर्चा होना तय है, खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब तक अमेरिका और भारत के रास्ते अलग रहे हैं, और एक ओर जहां अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ खड़ा है तो वहीं भारत ने अब तक लगभग हर मंच पर रूस के साथ अपनी गहरी दोस्ती का सबूत दिया है, फिर वो मंच चाहे यूएन का हो या क्वाड का। ऐसा माना जा रहा है कि आज की मुलाकात में एक बार फिर अमेरिका भारत के बीच मुख्य मुद्दा रूस ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात कर लेते हैं रामनवमी पर मचे उत्पात की। रामनवमी के जुलूस को जहां देश के कई इलाकों में निशाना बनाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सुकून देने वाली सामने आई। गंगा जमुनी तहजीब को मुकम्मल करती वाराणसी की ये तस्वीरें कट्टरपंथियों के लिए सबक है। वहीं कानपुर में तो शोभा यात्रा में लोग बुलडोजर पर भी सवार होकर निकले। रिपोर्ट देखिएगा। देश भर में हंगामा बरपाने वाले नफरती गैंग के लिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें एक सबक हैं। वाराणसी में जहां मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जमुनी तहजीब की अजीब मिसाल पेश की, जहां विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर जाकर मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान श्री राम की आरती उतार कर विश्व शांति का संदेश दिया। जबकि ये तस्वीर कानपुर की है, यहां रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर पर सवार होकर श्रद्धालु निकले। मसवानपुर से निकाली गई शोभा यात्रा में लोग बुलडोजर लेकर शामिल हुए। बुलडोजर पर सवार लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को मुकम्मल किया, लेकिन कहीं कोई हंगामा देखने को नहीं मिला। तो फिर बाकी जगहों पर आखिर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग को राम भक्तों की भक्ति से मिर्ची लग गई? इस सवाल का जवाब अब सभी जगह का प्रशासनिक अमला ढूंढने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामनवमी के पावन अवसर पर कट्टरपंथी जिहादियों की नफरती साजिश खुलकर एक्सपोज हो गई। जिहादियों ने गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक सनातनियों की शोभा यात्रा पर पथराव किया, अटैक किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मौके पर आगजनी की। तस्वीरें देखिए ना। राम के नाम पर नफरती गैंग काम पर। गुजरात से बंगाल तक रामद्रोहियों का करौली कांड जारी है। रामनवमी के अवसर पर जिहादियों ने देश के अलग अलग इलाकों में कोहराम मचा दिया। रामद्रोहियों को भगवान की भक्ति रास नहीं आ रही, सहन नहीं कर पा रहे शक्ति की पूजा। क्या यही वजह है कि गुजरात से लेकर बंगाल तक रामद्रोहियों ने अपनी नफरती दुकान खोल ली है? सनातन के षड्यंत्रकारी ठेकेदार हावड़ा, बांकुड़ा, बनासकांठा, आनंद, खरगोन और लोहरदगा की ये तस्वीरें इन गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर रही हैं। ये आठों तस्वीरें कल के रामनवमी के मौके की हैं, जब जगह जगह राम भक्त झांकी निकाल रहे थे, लेकिन रामद्रोहियों को अमन का ये संदेश कहां समझ में आने वाला था? लिहाजा जगह जगह इन सनातन द्रोहियों ने षड्यंत्र कर दिया। कहीं राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए तो कहीं दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। जिहादियों ने हर जगह तनाव का माहौल खड़ा करने की कोशिश की है और प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। दरअसल नवरात्र के पहले दिन ही यानी 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंसा हुई थी, जिसके बाद दूसरी जगहों पर भी नफरती गैंग हावी होने लगा। जबकि करौली में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं, 10 अप्रैल तक के लिए लगाए गए कर्फ्यू को 2 दिन और यानी अब 12 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर झारखंड के लोहरदगा और एमपी के खरगोन में भी रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और आगजनी हुई। खरगोन में धारा 144 लागू करनी पड़ी, जबकि लोहरदगा में रामनवमी मेले की दुकानों को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिएगा किस तरह के हालात हैं वहां।
गाड़ी। रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो इससे किसे परेशानी हो रही है? हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? कौन माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है? दरअसल राम की शोभा यात्रा से जिन्ना गैंग परेशान है। मध्य प्रदेश में भी कट्टरपंथियों ने रामनवमी के दिन हिंसक तमाशा किया। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर जमकर पथराव किया गया। यहां उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तालाब चौक सहित तनावग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू और पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। नियंत्रण में नियंत्रण में। इसी तरह की घटना झारखंड के लोहरदगा में भी देखने को मिली। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। हिंसा और आगजनी के बाद पूरे इलाके में तनाव है। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित रामनवमी जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव के बाद जो हिंसा की, उसमें 10 मोटरसाइकिल, एक ऑटो सहित दर्जन भर दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हालात सामान्य करने के लिए जबरदस्त पसीना बहाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में राम भक्तों पर लाठी पत्थरों से अटैक किया गया। गुजरात के बनासकांठा और आणंद में एक खास समुदाय के लोगों ने राम भक्तों को टारगेट कर जमकर कोहराम मचाया, उत्पात मचाया। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में कई जगहों पर रामनवमी के दिन जिहादियों का उपद्रव सामने आया। बनासकांठा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकाल रहे थे। वीएचपी के कार्यकर्ता परंपरागत तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा छापारिया इलाके से गुजरी, जिहादियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुजरात के साबरकांठा शहर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। विश्व हिंदू परिषद के वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। दावा है कि एक खास समुदाय की पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। जबकि गुजरात के आणंद में भी रामनवमी के दिन जुलूस पर एक खास समुदाय के गुट ने पथराव कर दिया, जिसमें जुलूस में शामिल लोगों को काफी चोटें आईं। खंभात में शोभा यात्रा पर जब हमला हुआ तो सनातनियों ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद हालात बहुत बिगड़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात संभाला। साफ है कि कट्टरपंथी जिहादियों ने रामनवमी के मौके पर माहौल खराब करने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से हालात बेकाबू होने से पहले संभाल लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर रामनवमी के जुलूस को अब ममता दीदी के बंगाल में भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। हावड़ा में फाकिर बाजार में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए, और इसी तरह बांकुरा में भी जुलूस को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाते उपद्रवियों की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा के फाकिर बाजार की हैं। हावड़ा के शिवपुरी में रामनवमी के जुलूस में विश्व हिंदू परिषद समर्थकों पर ईंट और पत्थर फेंके गए। माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई। दावा किया जा रहा है कि हावड़ा के फाकिर बाजार में समुदाय विशेष के लोगों ने यह हमला किया है। तस्वीरों में देखिए कैसे रामनवमी के जुलूस को इस गली में जुटे कट्टरपंथी निशाना बनाते रहे। यहां से बरसते ताबड़तोड़ पत्थरों से राम भक्तों का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वीडियो में भगदड़ मचते हुए देखा जा सकता है, साथ ही कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगाने की भी खबर सामने आई है। साथ ही कहा जा रहा है कि न सिर्फ उग्र भीड़ ने कई लोगों के घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ मचाई, बल्कि हावड़ा पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब रामनवमी की झांकी एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। हालांकि बांकुरा में रामनवमी के दौरान हंगामे के आरोप लगाकर पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मस्जिद होने की वजह से जुलूस को दूसरा रास्ता दिया गया था, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते से गए। उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दीदी के बंगाल में रामनवमी के मौके पर जिस तरह धार्मिक जुलूस को निशाना बनाया गया, वो ममता दीदी की तुष्टिकरण की राजनीति पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के करौली में एक बार फिर प्रशासन ने कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब करौली में 12 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू रहेगा। स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कुछ ढील भी दी है। क्या कुछ रियायतें मिली है, इस रिपोर्ट से समझिए।
राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल से लागू कर्फ्यू 12 अप्रैल तक जारी रहेगा और इस दौरान जिले में इंटरनेट पर भी रोक रहेगी। कर्फ्यू के दौरान शहर में कोई हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया है ताकि माहौल शांत बना रहे और किसी भी तरह के हालात से जल्द निपटा जा सके। हालांकि आज से कर्फ्यू में ढील जरूर दी जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शहर में बाजार खुले रहेंगे ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सके, लेकिन 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के आगमन पर रोक रहेगी। वहीं पुलिस की पूरे जिले पर पैनी नजर है। गौरतलब है कि करौली में हुए उपद्रव के मामले में अब तक दोनों पक्षों की ओर से कुल 20 FIR दर्ज हुई है। इनमें 1 करौली थाना अधिकारी की ओर से और 19 दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई है। कैला देवी को छोड़कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू है। मामले में पुलिस ने अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिगों को भी दस्तायाब कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है। पुलिस ने अब तक 105 से अधिक लोगों को डिटेन कर पाबंद किया है। तो वहीं शहर में 21 पॉइंट पुलिस बल तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और चलिए खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।